आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश के खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कल एक बयान दे दिया और बयान के बाद अब राजनीति उत्तर प्रदेश में इस कदर गर्मा गई है कि लगातार उनके बयान पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दरअसल आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त तेल, पेट्रोल, डीजल, इनके दाम क्या हैं, चाहे हम खाने पीने के तेल की बात कर लें या फिर पेट्रोल डीजल की बात कर लें। इन सबको भरवाते और इन सबको खाते खाते हम आम जनता का तेल खुद ही निकल जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के पेट्रोल के दाम की अगर बात करी जाए तो इस वक्त 104 रुपए करीब हमें पेट्रोल मिल रहा है। उपेंद्र तिवारी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कल दरअसल ये जालौन गए हुए थे, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कई सारी योजनाओं के बारे में गिना दिया। उन्होंने ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश या देश में प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के नेतृत्व में जनता की जो आय है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। उन्होंने ये बताया कि हम मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त दवाई दे रहे हैं, हमने मुफ्त कोरोना का जो टीका था वो लगवा दिया है, और क्या चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक बात और कह दी, उन्होंने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश और देश जो पेट्रोल के दाम से जूझ रहा है दरअसल ये कोई समस्या नहीं है, सिरे से नकार दिए। उन्होंने ये कहा कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं दरअसल ये सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए हैं, क्योंकि मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, चार पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के जो लोग हैं उनके पंख लगे हुए हैं और वो उड़कर इधर उधर आते जाते हैं, ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, उसके बाद उपेंद्र तिवारी ने यह बात भी कही कि अगर सरकार जनता की आय के अनुसार देखे या फिर आप अपनी आय के अनुसार देखे तो ये जो 104 रुपए के दाम बढ़े हुए हैं ये कोई बहुत महंगा नहीं है, इसको काबू में किया जाएगा आने वाले दिनों में और हो सकता है कि ये बढ़ भी जाए, ये भी एक बात हो गई। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लगातार अब इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक है वो कहीं ना कहीं गर्म आ गई है। अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं और लगातार उन्होंने महंगाई को लेकर कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो अपनी रथ यात्रा जब निकाल रहे थे उस दौरान भी उन्होंने महंगाई के मुद्दे को उठाया था और उन्होंने ट्वीट करके ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मंत्री 95% लोगों की बात कर रहे हैं जो गाड़ी से नहीं चलते हैं, चार पहिया वाहन से नहीं चलते और उन्हें पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। दरअसल आने वाले दिनों में जनता खुद इनको पैदल कर देगी और जब ये खुद पैदल हो जाएंगे तो इन्हें भी डीजल और पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि लखीमपुर में जो गाड़ी थी थार, क्योंकि थार की अगर बात करें तो महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं वो लगातार बदनाम हो रही है, पहले एक टीयूवी पलट गई थी और अब की बार एक थार में डीजल पड़ता है, उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। तो महिंद्रा की गाड़ियों से लोग डर रहे हैं और इसी वजह से उपेंद्र तिवारी ने इस बात को भी कह दिया कि बहुत कम लोग हैं जो चार पहिया वाहन से चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में उपेंद्र तिवारी के इस बयान के बाद बीजेपी का कोई भी नेता इस बयान पर प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। आज हम सुबेरे से लगे रहें कि भाई कोई हमें मिल जाए जो बयान दे दे, जो बोल दे, कुछ बता दे ताकि हम अपनी डिबेट में सुना सकें कि आखिर उपेंद्र तिवारी का ये जो बयान है उस बयान पर बीजेपी का क्या रुख है, बीजेपी क्या कहती है, क्या ये कहेगी कि इंडिविजुअल आदमी है, उनकी अपनी सोच है, क्योंकि अक्सर बीजेपी ये कहती आई है कि भैया अपनी अपनी सोच होती है और अपनी सोच के अनुसार उन्होंने बयान दे दिया है, तो हो सकता है यही कहते। लेकिन सुबेरे से हमारे जो संवाददाता हैं वो लखनऊ की सड़कें छान मारे हैं और कोई भी प्रवक्ता इस पूरे मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं हुआ, सब बचते हुए नजर आए। फिलहाल विपक्षियों ने कहीं ना कहीं अब इसे मुद्दा बना लिया है क्योंकि ये मामला जनता से जुड़ा हुआ है और पेट्रोल और डीजल का है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने जब ये बयान दिया उसके बाद से ही लगातार ट्विटर और बयानों की जो बौछार है उनके पर होने लगी है। लेकिन अगर हम आम जनता के आधार पर देखें, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उससे खाली पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं, उससे जो अन्य वस्तुएं हैं उनके भी दाम बढ़ जाते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण जो सामान की ढुआई है, सामान का आना जाना है, वो भी महंगा हो जाएगा। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों में जो महंगाई की दर है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हमारा जो ईंधन है, हमारा जो पेट्रोल डीजल है वो बढ़ गया है, उसके दाम बढ़ गए हैं। तो इन दामों को कम करने के बजाय सरकार ये कह रही है कि मुट्ठी भर लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं और बाकी ये सपा वाले, कांग्रेस वाले जो अभी डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे, इनके पंख लगे हुए हैं, ये लोग
उड़ उड़ के आते जाते हैं, ऐसी इनके बयानों से लगता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे कि आखिर इस तरह के बयान देने के बाद उपेंद्र तिवारी क्यों इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया या पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और अगर मुट्ठी भर लोग ही पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो ये सपा वाले कांग्रेस वाले क्यों इतना परेशान हो रहे हैं इस पूरे मामले पर। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, कुछ बयान सुनिए और फिर उसके बाद डिबेट को शुरू करते हैं। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयां बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़े। जब बुद्धि बट रही थी तो भाई उपेंद्र जी कहाँ थे? अरे भाई, अब तो आप मंत्री बन गए हो, संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर हो, तो ऐसे उल जुलूल फिजूल मत बोला करो, इससे एक संवैधानिक पीठ लांछित होती है। अगर 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है तो आपके प्रधानमंत्री, आपकी केंद्र की सरकार 84% मांग से ज्यादा पेट्रोल क्यों विदेशों से आयातित कर रही है, और देश के ऊपर आज 587 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ चुका है। ये जो गाड़ियां सड़कों पर हैं, जो जाम सड़कों पर है, ये क्या पानी से चल रही है, हवा से चल रही है, या आपने अपनी तंत्र विद्या से कोई नई प्राविधि निकाल दी है जिससे गाड़ियां हवाओं से आपके इशारों पर चले? तो उससे पहले जो यहां तख्त नसीन था उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। अनाप शनाप बोलना बंद करें। आज लोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं के वक्तव्यों पर ध्यान देना कम कर दिए हैं। आपको तो मुझे लगता है कि अब अध्ययन की जरूरत है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि ऐसे मंत्रियों को संघ की शाखाओं में कुछ पढ़ने लिखने के लिए भेज दे। देखिए, देश प्रदेश की जनता इस समय त्राही त्राही मांग कर रही है। देश में इतनी महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, उस पर किसी भी केंद्रीय नेता का या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का या उनके मंत्री का, मंत्रिमंडल के किसी भी नेता का दिमाग नहीं जा रहा है कि आज हालात क्या हो गए हैं। आज हालात ऐसे हैं जो आम जीवन से लोगों से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि 95% लोगों को हो सकता नहीं है, आम जीवन से लोगों को जुड़ा है। हाँ, डीजल पेट्रोल आज कहाँ जा रहा है? जब बीजेपी की सरकार नहीं थी देश में और उत्तर प्रदेश में, तब डीजल पेट्रोल के रेट कहाँ थे? आज डीजल पेट्रोल के रेट कहाँ पे हैं? सैकड़ा पार, 100 रुपये पार कर गया। आज आम आदमी बहुत परेशान है देश के अंदर, किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर। भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है, उत्तर प्रदेश सरकार को हटाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबके सपनों के साथ में आघात किया है, सबके साथ बेईमानी की है। व्यापारी तो बर्बाद हो गया, नौजवान तो अपने भविष्य को देखकर हताश हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भैया हैं तो भरोसा है, लाखों करोड़ों लोग कहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं तो भरोसा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने दरअसल खेल कर दिया है, और अब इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। लगभग सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा शरीफ हाशमी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय चंद चौबे हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विश्लेषक के तौर पर सुभाष चंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। विवेक जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, ये मुट्ठी भर लोग कौन हैं जिनकी बात कर रहे थे उपेंद्र तिवारी? उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग तेल पानी यूज कर रहे हैं, आजकल पेट्रोल यूज कर रहे हैं, और बाकी 95% जनता जो है वो क्या, कैसे चल रही है? क्या बैटरी उटरी लगवा दी है क्या, या कुछ और तकनीक आप लोग इजाद कर रहे हैं? उपेंद्र तिवारी जी के आंकड़े का आधार क्या है, ये बेहतर तो उपेंद्र तिवारी जी ही बता सकते। हमारे मित्र हैं, इलाहाबाद विद्यालय के पढ़े हुए, इसीलिए मैंने आज आपको आमंत्रित किया है, क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा उन्होंने आंकड़े कहाँ पढ़ लिए मुझे नहीं मालूम। इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक कोई आंकड़े नहीं पढ़ने को मिले होंगे। हाँ, सत्ता के गलियारे में कोई
अधिकारी उनको ये आंकड़ा पकड़ा दिया हो। ये सर आप तो मतलब ये आप आरोप लगा रहे हैं या बता रहे हैं कुछ, क्योंकि आप कह रहे हैं अधिकारी के, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नाराजगी आपको भी है इस बयान से। मैं देखिए बिल्कुल, मैं भी एक आम आदमी हूँ और आम आदमियों के बीच उठता बैठता रहता हूँ। डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम ये पूरे देश के लिए समस्या है और इसकी मार किसानों पे भी पड़ती है, आम आदमी पे भी पड़ती है। जो बेचारा मजदूरी कर रहा है, कहीं मिस्त्री है, वो भी मोटरसाइकिल से जाता है, उसको भी गाड़ी में पेट्रोल डलाना पड़ता है। और ऐसे में इस तरह का बयान देना कि 95% लोग ही पेट्रोल की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, 95% लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये हास्यास्पद है। और ये आंकड़े मंत्री जी कहां लेके चले आए, मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा कि उन्होंने ऐसा बयान कैसे दिया। वो कह रहे हैं कि बाकी चीजें उत्तर प्रदेश और देश में काफी कुछ मुफ्त मिल रही है, जिसमें वैक्सीनेशन हो गया, जिसमें राशन हो गया, जिसमें शिक्षा हो गई, तो एक चीज अगर महंगी हो गई तो इतना उछल कूद नहीं मचाना चाहिए। देखिए जो भी मुफ्त मिल रहा है जनता के टैक्स के पैसे से ही मिल रहा है, किसी मंत्री किसी सांसद विधायक की उसकी जेब से नहीं आ रहा। तो पहली बात तो उसको इस तरह से ना बताया जाए कि साहब वो मुफ्त दे रहे हैं तो इसका दाम बढ़ा दिया हमने। दूसरी बात, मुफ्त टीकाकरण जो हुआ है, जो मुफ्त शिक्षा है, ये लोक कल्याणकारी शासन के आधार है जी। लोक कल्याणकारी शासन की अवधारणा में सब चीजें वर्णित है कि शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, गरीबों को कम से कम मुक्त होनी ही चाहिए और गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सब लोक कल्याणकारी शासन की मूलभूत अवधारणाएं हैं। ऐसे में राजनीति का कौन सा लेसन उपेंद्र तिवारी जी ने ये कहां से पढ़ लिया, मैं ये स्वयं इससे मतलब कोई सरोकार में समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे मैं क्या इस पर बोलूं। अच्छा, ये मुफ्त वाली बात आप कर रहे थे, तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है और कुछ विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में तो मुफ्त बिजली दे देंगे 300 यूनिट तक। वो ये कह रहे हैं कि लैपटॉप मोबाइल स्कूटी ये सब भी मिल जाएगा। प्रियंका गांधी ने परसों ट्वीट कर दिया कि हम स्कूटी दे देंगे, मोबाइल दे देंगे। अखिलेश जी और राजभर जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम बिजली दे देंगे मुफ्त में। तो फर्क तो पड़ेगा ना भाई, आप लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल से कुछ हो नहीं रहा है और दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि हम मुफ्त में दे देंगे, तो नुकसान तो हो जाएगा इससे। देखिए अगर बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर दी तो जिस तरह का लोग प्रलोभन दे रहे हैं कि मुफ्त कर देंगे, इस मुफ्त संस्कृति से प्रदेश का या देश का भला नहीं होना। अच्छा, इसके तमाम तो मुफ्त वाला उपेंद्र तिवारी काहे गिना रहे थे जब भला नहीं होता है तो? नहीं, मेरी बात, मैं बिजली मुफ्त की बात कर रहा हूं। अच्छा, जैसे उपेंद्र तिवारी जी ने जो कहा कि मुफ्त टीकाकरण, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश पूरा विश्व जूझ रहा है, लोगों के काम धंधे ठप है, आप अगर मुफ्त टीकाकरण अभियान चला रहे हैं तो लोग कल्याणकारी शासन कारण चला रहे हैं, इसमें कोई आप जनता के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हैं। भाई उन्हीं के टैक्स से तो आपकी गाड़ी चल रही है। ठीक है विवेक जी, मैं आता हूँ फिर। उन्हीं के टैक्स से तो आपका सारा सिस्टम चल रहा है। ठीक है विवेक जी, आता हूँ मैं, आता हूँ। तो इस तरह से कोट करना कोई अच्छी बात नहीं। ठीक है, आता हूँ सर, आता हूँ। अजय चौबे जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। अजय जी, ये उपेंद्र तिवारी ने जो बयान दिया है ये कहाँ का दिया, मतलब किस प्रदेश या किस देश के लिए उन्होंने बोला है कि जो 95% जनता है वो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करती है? देखिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के संदर्भ में ये बात कही है। अच्छा, यहीं के लिए कही है कि आप कैसे आए हैं जब से भारतीय जनता? चौबे जी, आप कैसे आए, गाड़ी वाड़ी से आते हैं, कैसे आते जाते हैं, पेट्रोल डीजल लगता है आपको? हम गाड़ी से नहीं भी आएंगे तो ऑटो से आएंगे तो किराया अच्छा, तो तभी लगेगा ना उसका, तो पेट्रोल लगता ही होगा। तो ये फिर उपेंद्र तिवारी क्या बता गए हैं? रिक्शे से भी आएंगे तो रिक्शा वाला भी तो अपना सुबह शाम का भोजन जुटाएगा तो हमसे तो किराया तो लेगा ही। तो ये उपेंद्र तिवारी काहे की बात करके गए? वो बात ये कह के गए है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, पूरे हिंदुस्तान की, आज पूरा भारत वर्ष 50 वर्ष में बेरोजगारी के अपने उच्च शिखर 7.2
प्रतिशत पे पहुंच गया है। अच्छा। जबकि 2013 तक यह आंकड़ा 4.9% था। और आज भूखमरी में भारत 102 नंबर पे पहुंच गया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे पहुंच गया है। तो इसी संदर्भ में उन्होंने कहा होगा कि उनके कुशासन की वजह से आज हिंदुस्तान की जनता इस स्थिति में पहुंच गई है कि वो दो वक्त की रोटी जुटाने में ही परेशान है, उसकी गाड़ियां, उसकी मोटरसाइकिल, स्कूटर सब सड़ रहे हैं खड़े खड़े। पेट्रोल डीजल की इतनी कीमतों में जो उछाल आ गया है, आय खत्म हो गई है, जनता एकदम त्राहिमाम। तो मतलब आप सहमत हैं इस बात से कि 95% लोग अब इसका इस्तेमाल नहीं करते? बिल्कुल, सिर्फ तो प्रधानमंत्री जी इसी संदर्भ में ये बयान था। प्रधानमंत्री जी भी अमेरिका से लाए हुए 8,500 करोड़ की बैलगाड़ी स्टार्ट से चल रहे हैं। अच्छा। शायद उसमें जनता का पैसा थोड़े खर्च होता होगा। हाँ। वो तो कहीं से आई होगी ब्लैक मनी उसी झोले में भर के। अच्छा। तो जान ही रहे हैं कि अंग्रेजों के समय में या तो हिंदुस्तान के लोग गाड़ी से नहीं चलते थे, मोटरसाइकिल से नहीं चलते थे, ट्रेन से नहीं चल पाते थे, या तो कोरोना के पीरियड में भी हिंदुस्तान के लोगों ने अनुभव किया होगा। ये हिंदुस्तान की ट्रेनें उनके लिए नहीं थी, एयरपोर्ट उनके लिए नहीं थे, ये सड़कें भी जो बनाई गई उस पर भी नहीं चलने दिया हिंदुस्तान के नागरिकों। ब्रिटानिया हुकूमत की वो 1947 के पहले की कहानी दोहरा दी, और जिस प्रकार से अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, एक महात्मा गांधी को धक्का दिया था ट्रेन से चढ़ने नहीं दिया। अच्छा, ये विवेक जी उसी तरह से इन लोगों ने हिंदुस्तान के 139 करोड़ लोगों को धक्का दिया ट्रेनों से, सड़कों से, एयरपोर्टों से, कहां नहीं धक्का दिया। ठीक है चौबे जी, एक चीज सुन लीजिए, मानवता मर गई। विवेक जी कह रहे थे क्योंकि आप लोगों ने शायद उनके, अरे सुनिए तो भाई, सवाल तो ले लीजिए, बची है चौबे जी, सत्य बोलने का प्रयास किया उन्होंने। चौबे जी सवाल लीजिए। सवाल ये है कि अभी मैंने जब विवेक जी से पूछा कि ये प्रियंका गांधी कह रही हैं कि स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे, तो उन्होंने कहा कि मुफ्त वाली राजनीति करेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी जनता के लिए भी और पार्टियों के लिए भी, तो आप सहमत हैं इससे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, जब मंत्री महोदय जी ही बता दिए कि जनता स्कूटर या गाड़ी का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल के अभाव में नहीं कर पा रही है, तब प्रियंका गांधी जी ने का घोषणा ऐसे समय कि हम बैटरी चालित स्कूटी जो है बच्चियों को, स्नातक पास बच्चियों को देंगे, और स्नातक इंटर जो पास बेटियां हैं उनको हम स्मार्टफोन देंगे, बेटियों ने से प्रियंका जी मिली थी और उन्होंने कहा था कि इससे दीदी हमारी सुरक्षा भी होगी, आगे पढ़ने लिखने में मनोबल भी बढ़ेगा, वो इसका इस्तेमाल भी करेंगे डिजिटल इंडिया का। तो इसलिए प्रियंका गांधी जी ने इसको अपनी घोषणा में सम्मिलित किया हिंदुस्तान की इस दुर्दशा को देखते हुए। ठीक है। शरीफ हाशमी समाजवादी पार्टी से हैं। शरीफ भाई, ये इतना कुछ तो मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, दवाई मिल रही है, वैक्सीनेशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, क्या चाहिए भाई? और अब पेट्रोल डीजल को लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट कर दिए कि उपेंद्र तिवारी खुद पैदल होने वाले हैं। हाँ, ये सत्ता है, ये पैदल होने वाले, और जो 95% उन्होंने कहा है ना कि नहीं चलते हैं, तो जो बचे परसेंट हैं वो उन्होंने पूरा भारत, तो पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और इनके व्यापारिक पार्टनर उसमें समा लिया है। इनका कहना सिर्फ हम और हमारे व्यापारिक पार्टनर ही, 5% वही लोग हैं क्या? 5% वही लोग हैं। श्रीवास्तव जी आते हैं उसमें? नहीं, ये भी नहीं आते हैं, ये बेचारे उनका देख रहे कैसे विरोध कर रहे हैं, इनकी उन्होंने नाम हटा दिया लिस्ट से, उन्होंने कहा ये भी नहीं आते हैं। अच्छा। वो बाकी जो उस तरह के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 5% में उनको काउंट कर लिया है। हाँ। और उन्होंने कहा ये मैं एक आगाज है कि अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी को लाते हैं तो मैं आज बता रहा हूँ, कल आप लोग कहेंगे सारे लोग 95% लोग पैदल हो जाएंगे, बैलगाड़ी भी नहीं मिलेगी चलने को, एक बार और अजमा के देख लीजिए। उन्होंने आगाज बता दिया कि दोबारा मत अपनाइएगा हमें, कोई ऐसी गलती मत करिएगा जो एक बार आप 2014 में कर चुके हैं या उससे पहले कर चुके, अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार जो ये दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, ये अभी कम है और बढ़ने चाहिए? हाँ बिल्कुल, तिवारी कह रहे हैं बिल्कुल बढ़ने चाहिए भाई, इनके अनुसार ये मुफ्त में राशन दे रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो कह रहे हैं हम, एक तरफ कह रहे हैं हम मुफ्त में दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर हम ले रहे हैं तो कौन सी बुराई है? तो एक बार ये क्लियर करें कि मुफ्त में लेंगे कि हम सबकी जान लेके मुफ्त में देंगे। नहीं, विवेक जी कह रहे हैं मुफ्त वाली राजनीति करेंगे तो नुकसान होगा सभी तो ये भाई इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं
कि मैंने कोरोना काल में इतना राशन फ्री दे दिया, इतनी वैक्सीन मुफ्त दे दी, या तो वो मुफ्त हटाएं, वो कहें मैं जनता का सेवक हूं, ये जनता के पैसे का माल है, मैं जनता को दे रहा हूं, मैंने अपना नहीं दिया, मैंने कोई जनता पे एहसान नहीं किया है, जनता से लिया था, जनता को वापस किया, या तो ये स्वीकार करें, या तो ये कहें कि अगर हम मुफ्त का नाम लेते हैं तो कहते हैं बीमारी है, ये मुफ्त का नाम लेते हैं तो कहते हैं वैक्सीन है, तो ये क्लियर करें ना कि मुफ्त की परिभाषा क्या है। ठीक है सर, ठीक है। सुभाष चंद्र यादव जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और पूरा ये जो मामला है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग कौन होते हैं और ये जो आय की बात उन्होंने कह दी है उपेंद्र तिवारी ने कि आय जितनी है आदमी की उसके हिसाब से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं और बढ़ने चाहिए, इस बात में कितनी सच्चाई है, वो कितना इस बात को सहमति देते हैं। सुभाष जी, नितिन जी, डिबेट शुरू होने से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई दीपक मिश्रा जी का एक बयान आया था, उसको मैं सुन भी रहा था और सुनते वक्त मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ गई थी, और कहीं ना कहीं विवेक श्रीवास्तव जी ने भी जो अपना बयान दिया वो भी कहीं ना कहीं उपेंद्र तिवारी के बयान से मेल नहीं खाता। बिल्कुल। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उपेंद्र तिवारी शायद फ्लो फ्लो के अंदर बोल गए, वैसे बोलना नहीं चाह रहे थे, वो फ्लो फ्लो के अंदर बोल गए, और ये बात सच्चाई है, जब अकल बंट रही थी तो शायद उपेंद्र तिवारी जी अकल वाली लाइन में खड़े नहीं थे। अच्छा। तो उनको वास्तव में आरएसएस की शाखाओं में फिर से जाना चाहिए और जाके फिर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। वो 95% लोगों का जो जिक्र कर रहे हैं कि 95% लोग ईंधन का उपयोग ही नहीं करते या फोर व्हीलर का उपयोग नहीं करते, उन्होंने फोर व्हीलर की बात की, यानी कि कारों की बात की या ट्रकों की बात की, तो उनसे मेरा एक सीधा सवाल ये भी है कि जो फोर व्हीलर यूज करते हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी के जो लोग टू व्हीलर यूज करते क्या उनके ऊपर उनका फर्क नहीं पड़ता? जैसे कि मैं आया हूं स्कूटी से, 103 रुपए 56 पैसे के आसपास इस समय की पेट्रोल की रेट है, और पेट्रोल पंप पे जब मैंने उनसे पूछा उस भैया से कि भैया क्या रेट ऐसी बढ़ती रहेगी, तो उन्होंने बोला भैया 150 से ऊपर चली जाएगी पेट्रोल की रेट, 150 से ऊपर चली जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। तो सही तो बताया उन्होंने भी, ये 95% लोग पैदल हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, और आप तो नहीं डला पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं डला पाएंगे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जब विवेक जी भले डलवा ले। नहीं, विवेक जी भी नहीं डलवा पाएंगे, विवेक जी ने भी तो स्पीच स्टार्टिंग के अंदर ही बोल दिया था कि वो उपेंद्र तिवारी जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने पता नहीं कहां से यह आंकड़ा पेश किया, और सिर्फ विवेक श्रीवास्तव जी नहीं, मैं जितने भी लोगों को जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी प्रवक्ता बयान देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं उपेंद्र तिवारी जी ने बचकाना बयान दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि बयान देने से पहले सोचें, क्योंकि आज भारत देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं तेल के ऊपर ही है, तेल की वजह से ही सारी चीजें बढ़ती रहती हैं। मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेना चाहूंगा, 2013 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय कच्चे तेल की जो कीमत थी प्रति बैरल $100 की कीमत थी उसकी थी, उस समय भी हमको पेट्रोल शायद उस समय मिलता था ₹76 के आसपास मिलता था, आज $86 आ गया है पर बैरल, ₹86 मिलता है, लेकिन फिर भी पेट्रोल ₹103 आ रहा है। तो ये जो मुफ्त की राजनीति का जो उसके अंदर लोग बोल रहे हैं, स्लोगन दे रहे हैं कि ये कीमतें इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि वैक्सीन दी जा रही है, अरे भैया वैक्सीन से पहले बहुत सारी वैक्सीन आती थी, टीके मिलते थे पहले, तो क्या कांग्रेस के टाइम पे टीके नहीं मिलते थे? तो ये बहानेबाजी ना करते हुए उन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए कि तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज मेरी दिमाग में ये थी सुभाष जी कि ये जो अलग तरह कई तरह के टैक्सेस लगते हैं पेट्रोल डीजल पे, क्योंकि अभी दो तरह के लग रहे हैं, जी जी, अगर इन टैक्सेस को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो काफी हद तक जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर उसको हम जीएसटी के दायरे में लेकर आते हैं तब भी बताया जा रहा है कि शायद 60-70 रुपए तक का ही हमें पेट्रोल डीजल मिल सकता है, तो सरकार उस चीज पर विचार विमर्श नहीं कर रही, शायद इसीलिए ना, क्योंकि हमारी और आपकी आय इतनी बढ़ गई है बीते दिनों में कि पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं वो अभी पूरे नहीं, अभी और बढ़ने चाहिए। देखिए उपेंद्र तिवारी कह रहे हैं, नहीं, देखिए नितिन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आय जो बढ़ी है ना वो भारतीय जनता पार्टी की नजरों के अंदर बढ़ी है, उनके सरकारी आंकड़ों के अंदर बढ़ी होगी, सही मायनों में देखा जाए तो आय बढ़ी नहीं है। अच्छा। जैसे कि थोड़ी देर पहले चौबे जी ने भी बोला था कि भुखमरी के अंदर हमारा देश यूएनए की रिपोर्ट 101 नंबर पे आ गया था, और पिछली डिबेट के अंदर भी मैंने इसका जिक्र किया था, तो अगर आय बढ़ गई है तो भारत बांग्लादेश से पीछे चला गया है, भूटान से पीछे चला गया है, पाकिस्तान से पीछे चला गया है, अफगानिस्तान से पीछे चला गया है, तो अगर आय बढ़ी है तो भुखमरी की कगार क्यों बढ़ती जा रही है उसके अंदर, वो भी तो आप लोगों को गौर करने वाली बात है ना। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे समझ में नहीं आते आंकड़े लाती कहां से, आय बढ़ गई है दिखाए तो सही, कम से कम आय किसकी बढ़ी है कुछ तो पता चले, आय बढ़ी है नितिन जी, आय बढ़ी है निश्चित रूप से आय बढ़ी, लेकिन कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की आय बढ़ी है, मुट्ठी भर की बात कर रहे बस, और उन्हीं मुट्ठी भर लोगों की बात कर रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग बीएमडब्ल्यू से, फॉर्चुनर से, थार से, वही लोग चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नजर में, उपेंद्र तिवारी जी की नजर में,
95% जो लोग हैं उनकी गिनती ही नहीं है, सिर्फ 5% मुट्ठी भर जो पूंजीपति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चला रहे हैं, इस देश को चला रहे, वही उनकी गिनती है। 95% लोगों को गिनना ही नहीं चाहते ये लोग। ठीक है सर, ठीक है। विवेक जी, मेरा एक सवाल आपसे ये था, पहला तो ये कि चुनाव करीब है और इस तरह के उलूल जुलूल बयान अगर आप आपकी तरफ से आपके मंत्री देने लगेंगे तो नुकसान आप लोगों को होएगा। दूसरी तरफ विपक्ष उत्तर प्रदेश में इतना सक्रिय है कि कहीं ना कहीं ये भी आप लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से मिलकर के शामिल हो रहे हैं, हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम 22 का चुनाव साथ में लड़ेंगे। एक रैली 27 तारीख को वो लोग करने वाले हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव भी उस रैली में शामिल हो सकते हैं। राजा भैया की बात भी कही जा रही कि वो भी अखिलेश जी के साथ जा सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी की और अखिलेश यादव की एक चलते फिरते मुलाकात हो गई है फ्लाइट में। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि एक तरफ जब आप विपक्ष इतना सक्रिय है, विपक्ष इतना दमदार होते जा रहा है और दूसरी तरफ आपके मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं तो नुकसान तो आप लोगों को होएगा ही, क्योंकि अजय चौबे जो कांग्रेस से हैं अभी हमारे साथ, वो भी ये कह रहे थे कि कोविड काल में आप लोग 95% जनता को भूल गए थे और शायद उन्हीं 95% जनता को लेकर उपेंद्र तिवारी ने बयान दे दिया है। तो ये नुकसान आप लोगों को होएगा ना कि नहीं होएगा? देखिए, हमारे मित्र अजय चौबे जी का बयान ये ठीक नहीं है कि अच्छा। कोविड काल में हमारी सरकार 95% जनता को भूल गई। सबकी चिंता की गई, सबको सुविधाएं मुहैया कराई गई और सरकार जितना अपना सर्वोत्तम कर सकती थी उतना सरकार ने किया और कोविड से जो नुकसान हो सकते थे उसको रोकने में सरकार कामयाब है। जो जनहानि हुई हमारी पूरी संवेदनाएं उन लोगों के प्रति, उनके परिवार के प्रति है, लेकिन जो जो सुविधाएं देश में उस समय तक उपलब्ध थी और उस कोविड की समस्या में जिस तरह से सुविधाएं डेवलप करके प्रदेश को, देश को उससे जूझने में सक्षम तैयार बनाया सरकार ने, उसके लिए सरकार की प्रशंसा भी की जानी चाहिए। रही बात उपेंद्र तिवारी जी के बयान, उपेंद्र तिवारी जी का बयान है, इसको भारतीय जनता पार्टी का बयान ना माना जाए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती अपने कार्यकर्ताओं के दम, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पे। विवेक जी, एक मिनट रोकूंगा, सुभाष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ सुभाष जी। विवेक जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आपने बोला कि उपेंद्र तिवारी का जो बयान है उसे भाजपा का बयान न माना जाए, बिल्कुल सही बात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने फ्रंट पर आके अभी तक उपेंद्र तिवारी के बयानों का खंडन क्यों नहीं किया? यानी कहने की बीजेपी चुप है, और अगर बीजेपी चुप है तो वो, एक मिनट, बीजेपी चुप है और वो आपके मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी उस बयान के अंदर सहमत है, या तो बीजेपी के नेता आके सामने खंडन करे उसका ना। भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, मैं आपके सामने डिबेट में बैठा हूं, मैं कह रहा हूं उसको भारतीय जनता पार्टी का बयान ना माना जाए। अब क्या उसका खंडन करने के, किसका बयान माने वो विवेक भाई? नड्डा जी आएंगे क्या? नहीं विवेक जी, बयान किसका माना जाए? वो बीजेपी के नेता का नाम आने, प्रदेश सरकार के मंत्री का नाम आने, किसका बयान माने? देखिए नितिन जी, अगर मुझसे कुछ कुछ बहुत ज्यादा कुरेदेंगे आप जी, तो मैं एक पंक्ति में ये कह दूंगा कि मैंने कहीं पढ़ा था जी कि सत्ता का नशा मादक होता है। ये सत्ता के नशे में मदान व्यक्ति का बयान माना। तो इतने मादक पदार्थ वाले कितने और मंत्री हैं आपकी पार्टी में जो आने वाले दिनों में सब बयान देंगे? कह दूं, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट वर्कर हूँ, जमीनी कार्यकर्ता, मुझे किसी से डर नहीं लगता। सर आप अपनी पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं आज सुबह जब से आप बैठे हुए हैं तब से। नहीं नहीं, मैं पार्टी पर ही आरोप लगा रहा हूं। आपने कहा कि सत्ता का नशा, मादक, ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं आप, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पार्टी से कुछ नाराज चल रहे हैं। विवेक भाई, जो नाराज नहीं चल रहा हूँ, मैं वर्कर हूँ। अच्छा, जो जो ये व्यक्ति कह रहा है, जो जनता 95% लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करते, आप उसके उसके समर्थन में आप क्या बोलेंगे? तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी तो चाहिए ना। 5% लोग होंगे ऐसे जो इसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे। पूरे देश के 5% लोग होंगे जो डीजल पेट्रोल के अछूते होंगे। तो ये सामने आके यही बोल दे कि भैया मैं गिनती उल्टी बोल गया था। आज तो स्थिति ये हो गई कि 95% लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ गांव के छोटे व्यापारी खुदरा तौर पे बोतल में तेल बेचते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात है। खेती करता है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। और रही बात जो जिस तरह की बात हो रही है, इसके दाम बढ़ाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए और तमाम चीजों के लिए,
ये भी जमीनी सच्चाई नहीं है। उपेंद्र तिवारी जी को बिना समय गवाए इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि उनकी जबान फिसल गई। आप अगुवाई क्यों नहीं करते हैं? आप अगुवाई करिए, कहिए उनसे कि भैया सामने आओ, माफी उफी मांग लो या कुछ कहो कि क्या गलत बोल गए हैं कुछ ऐसा। आपके तो मित्र रहे हैं पुराने, बिल्कुल हमारे साथ रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हम लोग पढ़े हुए हैं। अब उससे बात होती तो मैं बात करता जी, ठीक है, क्योंकि मुझे सीधे डिबेट में आपने बताया कि ऐसा आप कोई बयान दे गए हैं, दे गए हैं, और उस बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता ना, भारतीय जनता पार्टी इस बयान से इत्तेफाक रखती। ठीक है सर, ठीक है। चौबे जी कुछ कह रहे थे आप, कुछ सहमत लगे हैं आप विवेक जी की बात से? उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि उपेंद्र तिवारी अपना बयान वापस ले लें। देखिए एक बात तो तय हो ही गई माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी की बात से कि आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में 95% लोग जो है आज पैदल हो गए हैं, वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इतनी गरीबी आ गई है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। और अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले पेपर में आप पढ़े होंगे कि गोरखपुर जिला अस्पताल में एक संविदा कर्मी नर्स की 6 महीने से वेतन नहीं मिला और इस कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो गाली तो छोड़िए, दो वक्त की रोटी नसीब हो पा रही है। मुरादाबाद में एक आशा कार्यकर्ती ने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया कि गैस सिलेंडर भरवा दीजिए, गैस सिलेंडर खत्म हो गया। इसमें दोनों में विवाद हो गया क्योंकि दोनों की सैलरी नहीं मिल पा रही थी और उस महिला ने जहर खा लिया। तो आज ये प्रदेश और देश के हालात हैं। अब प्रधानमंत्री जी आए थे कुशीनगर, इस पे चर्चा करने के बजाय कहे कि मैंने 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करा दिया। तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि जब ज्ञान बट रहा था तो कहाँ थे? आज हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 139 करोड़ है और 2 डोज लगने हैं और कई और राष्ट्रों ने 2 डोज के अलावा ब्रूस्टर डोज भी लगवा दिया है। तो मैं ब्रूस्टर डोज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर 139 करोड़ जनता को अगर 2 डोज लगेगी तो ये तो 278 करोड़ डोज हुआ ना। आज हिंदुस्तान कितना पीछे है, कितना असुरक्षित है, अगर तीसरी लहर आ गई तो क्या होगा? फिर कह रहे थे कि मैंने जनता का बहुत साथ दिया। तो आगरा में वो महिला जो आंटों में अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, क्या यही उनके विकास का मॉडल था? क्या ये वही सुविधाएं थी? इनके विधायक विधानसभा में उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे थे कहीं कोई कोरोना नहीं है, फिर वो लखनऊ के किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं पाए, नोएडा भर्ती हुए, तीसरे दिन विधानसभा में उनके फोटो पे माल्यार्पण हो गया। ये दुखद स्थिति, मतलब जनता को कितना गुमराह करते रहेंगे, कितना झूठ बोलते रहेंगे। सच तो सच होता है, वो छिपता नहीं है, वो तो सामने आ ही जाता है, भले इनके राज सरकार के मंत्री के मुंह से फिसल के बातें। ये जो बयान ही कह रहे थे कि सत्ता के नशे में और मद में चूर, पता नहीं क्या क्या विवेक जी आज कह रहे थे नाराज। देखिए सच को कब तक छिपाएंगे, इनके मंत्री जी हमेशा झूठ बोलते बोलते रहे और जैसे वाल्मीकि जी मरा बोलते बोलते कभी राम बोल दिए, उसी तरह से इनके मंत्री के मुंह से निकल गया कि आज 95% लोग हिंदुस्तान में लाचार हो गए हैं, बेहाल हो गए हैं, जिंदा रहने को ही सिर्फ विकास समझ रहे हैं कि अगर आदमी किसी तरह से जिंदा रह ले, सप्ताह में अगर एक वक्त भी रोटी नसीब हो जाए कुछ दिन बाद। अरे तो आप लोग भी तो काम नहीं कम कर आने वाले हैं। अरे भाई आपकी भी सरकार तो केंद्र में थी। चौबे जी भुखमरी और गरीबी को दूर रहने के लिए इस देश की जनता को महीनों अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सुनिए तो भाई, सुनिए, उपवास करना चाहिए। आपकी जब सरकार थी केंद्र में तब भी कुछ इसी प्रकार के दाम वाम बढ़ गए थे, बीजेपी वाले कहते हैं और कहते आए हैं इस बात को, तब आप भी तो काबू नहीं कर पाए थे, इसी वजह से आप चले गए। तब भी हमने 3 करोड़ किसानों का 72,000 करोड़ रुपया। अरे बात किसान की नहीं हो रही, आज किसान की बात नहीं हो रही, आज बात हो रही है तेल पेट्रोल डीजल की, आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री की। 70-72 रुपए से ऊपर नहीं गया? आपको क्या लगता है जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में? सुनिए तो भाई, अरे सुनिए तो चौबे जी, आपको क्या लगता है कि उपेंद्र तिवारी को सामने आना चाहिए या बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन होना चाहिए इस पूरे मामले पर? अगर उपेंद्र तिवारी जी के मुंह से यह सच्चाई अगर निकल ही गई है, उन्हें बिल्कुल इस पे अड़े रहना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए इन झूठे लोगों के साथ, इन मक्कार लोगों के साथ बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री जी चीख चीख के झूठ बोल रहे हैं, 139 करोड़ की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर उनकी आत्मा जाग गई हो, छाप देता रहे हैं,
उसी विश्वविद्यालय का मैं भी छात्र नेता रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के आगे और चीफ मिनिस्टर के आगे नहीं झुका है, वह सच के साथ खड़ा रहा है। अगर उनकी आत्मा जाग गई हो तो उन्हें सच के साथ खड़े रहना चाहिए और तत्काल इस सरकार के मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अविलंब ऐसी जगह उनके लिए जगह नहीं हो, अब नहीं रह गई। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाहेंगे चौबे जी की बात पे? देखिए, भूपेंद्र तिवारी जी के बयान से पूरी पार्टी को सामना टिक नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। नहीं तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये सच बोल दिया है उन्होंने, तो भारतीय जनता पार्टी के ही है ना, ये तो अपने शब्दों को धार दे रहे हैं। उनको एक मौका मिल गया उपेंद्र तिवारी जी के बयान से बोलने का, जमीनी हकीकत में कांग्रेस कहीं जमीन पे है ही नहीं। अच्छा, अच्छा राजस्थान और पंजाब और महाराष्ट्र में आप जमीन पे हैं? केरल में कहीं अस्तित्व है? तेलंगाना में कहीं अस्तित्व है? आप बताएं, उत्तर प्रदेश की हो रही है, पंजाब में कहीं आपका अस्तित्व है? दिल्ली में कहीं अस्तित्व है? उड़ीसा में आप गठबंधन के साथ हैं, उड़ीसा में भी कहीं आपका अस्तित्व है? बताएं। और आगे इस वर्ष सातों राज्यों में आपका अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। देखिए, जमीनी हकीकत से रूबरू रहिए, और जो जमीनी हकीकत है, कांग्रेस जमीन पर कहीं नहीं है। कांग्रेस में नेता है, ये कार्यकर्ताओं का अभाव है। कांग्रेस तो काहे जगह जगह आप लोग रोक लेते हैं भाई, पार्टी के लोग आसमान, तो प्रियंका गांधी को रोक क्यों लेते हैं जगह जगह? चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, जमीन पे आ रहे हैं, मैं आता हूँ, वापस आता हूँ, शरीफ हाशमी के पास चलूंगा, उसके पहले मैं सुभाष जी के पास चलूंगा। सुभाष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ पूछना चाह रहे जी? मैं चौबे जी की जो बातों को सुन रहा था, बड़ा अच्छा वक्ता है, बड़े अच्छे बोल लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा इनके ऊपर ही आना चाहता हूँ कि जो तेल की कीमतों पर ये जो बोल रहे हैं या फिर जो अपने कांग्रेस सरकार के ऊपर जो बता रहे हैं ये लोग, तो इनसे मेरा छोटा सवाल है कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो गए जिसके अंदर कुछ दिनों पहले थार से वहां पे भी कुछ लोगों की हत्या कर दी, सुन तो लीजिए चौबे जी, आप बहुत बोले थक गए होंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए। उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ दिखाने के लिए गिरफ्तारी हुई, आरोपी छूट गए, उसके ऊपर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। दूसरा, राजस्थान के अंदर कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर एक दलित को पीट पीट कर मार दिया गया, वहां पे प्रियंका गांधी जी का कोई बयान नहीं है, वहां पे नहीं मिलने के लिए गई, तो कोई दौरा नहीं हुआ वहाँ। अरे भाई, ये कोई बात नहीं होती है ना चौबे जी, ये कोई बात नहीं होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं गए, ठीक है, यहाँ कुछ हुआ तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी आए। अच्छा, मुझे एक चीज ये समझ नहीं आई सुभाष जी, सुभाष जी मुझे चौबे जी हो गया, मैं एक चीज कह रहा हूँ, मुझे एक चीज ये आज समझ नहीं आई, कई दिनों से उत्तर प्रदेश में राजधानी में चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई घटना घट रही, विवेक जी सुनिएगा, तो ये छत्तीसगढ़ के और हरियाणा के मंत्री क्यों आ रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आया, कांग्रेस वाले ये आते हैं यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इनके दो मंत्री आए अलग अलग प्रदेशों के, और वो घोषणा करके गए कि जो लखीमपुर खीरी हिंसा में जो मृतक किसान थे उनको मैं मुआवजा दूंगा। पश्चिम बंगाल में इनके मुख्यमंत्री जी, अरे भाई सवाल लेके जवाब तो लेने दीजिए। देखिए, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके साथी कुछ कह रहे हैं। हाँ विवेक जी, क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए है क्या, जब कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हो जाता है तो ऐसा उपाय कांग्रेस करती है, मंत्रियों को पीछे ले आके खड़ा करती है और उससे अपने नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करती है। जी, रही बात जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, इस तरह से विपक्ष सेलेक्टिव पॉलिटिक्स में लिप्त है, छत्तीसगढ़ में कुछ होगा तो वहां नहीं जाएंगे, राजस्थान में दलित की हत्या होगी वहां नहीं जाएंगे। अगर आप वास्तव में आपके दिल में दर्द है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, तो आप वहाँ हर जगह जाए ना। ठीक है सर, ठीक है सर, हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। प्लस आलोक जी का बयान आया, समय कम है, मैं आ रहा हूँ, समय कम, खुल करके सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है, ये राजनीति की नैतिकता नहीं है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पार्टी का विवेक जी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। हो गया विवेक जी, हाँ सुभाष जी अपनी बात पूरी कीजिए, आप क्या कह रहे थे और अजय जी से क्या सवाल आपका था? जी अजय जी से मेरा वही सवाल है कि जो राजनीति आपके नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही हैं, वही राजनीति की जरूरत उन्हें छत्तीसगढ़ के अंदर भी है, वही राजनीति की जरूरत उन्हें राजस्थान के अंदर भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सारी राजनीतिक जो गतिविधियां उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित कर रहे हैं, वही घटना समान रूप से अगर दूसरे राज्यों के अंदर घटती जहां पे आपकी सरकारें हैं, वहां पे आपके प्रियंका गांधी जी का कोई बयान ही नहीं आता है, वहां के मुख्यमंत्री का कोई बयान ही नहीं आता है, उल्टा पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी लखीमपुर खीरी आने के लिए उतावले हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उतावले हो जाते हैं, तो यही चीज, यही उतावलापन आपकी जो शासित सरकार है वहां क्यों नहीं दिखाते? तेल के ऊपर बात कर रहे हैं,
तेल की बात आप कर रहे हैं, चलिए आप पहल तो करिए, आपके 5 राज्य यहाँ पे आपकी सरकारें हैं, वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए, वहाँ पे जो टैक्स लगते हैं वो अच्छा, कम कर दीजिए। चीज और है इसमें सर, बड़ी इंटरेस्टिंग है, राज्यों का पैकेज भी तो केंद्र सरकार चौगुना कर दे, बढ़ा दे, इंटरेस्टिंग और कम कर दी है। फिर हम किसानों को 2500 रुपया क्विंटल दे रहे हैं, जो गाड़ी एक्सीडेंट की हुआ मध्य प्रदेश की थी, वो लड़के भी इनके सिंगरौली मध्य प्रदेश के थे, हमने तुरंत 24 घंटे में गिरफ्तारी किया, कोई दोषियों को बचाया थोड़े, दोषियों के साथ थोड़े खड़े रहे इनकी पार्टी की तरह, भारतीय जनता पार्टी की तरह। आपको कुछ इनाम लेना होगा भारतीय जनता पार्टी से, आप इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आपको प्रियंका गांधी में कमी लग सकती है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप भारतीय जनता पार्टी से थोड़े क्वेश्चन कर सकते कि इनके लोगों को गाड़ी से किसानों को कुचल के मारने की छूट है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं, चौबे जी, करके मारने चौबे जी, परिवार भी साफ करने की छूट है, साक्ष भी मिटाने की, चलिए सुन लीजिए सुभाष जी कुछ कह रहे हैं, सुभाष जी चौबे जी, चौबे जी जलाने की, चौबे जी चौबे जी, अरे भाई हो गया सुन तो लीजिए, अरे सुभाष जी कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर अपना अपनी प्रतिक्रिया दिए, मैं अभी शरीफ भाई के पास चलूंगा, बहुत देर से शांत है सुभाष जी। चौबे जी आप शायद पहली बार बैठे मेरे साथ में और प्राइम टीवी के ऊपर और भी डिबेट के अंदर मैं बैठा हूँ, आप देख लीजिएगा, इसके पहले आप पहली बार सुन रहे होंगे मुझे, इसलिए आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, डिबेट के स्टार्ट के अंदर ही मैंने सवाल कर ध्यान नहीं दिया, मैंने डिबेट के स्टार्ट के अंदर ही सवाल कर दिया था बीजेपी के प्रवक्ता से, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह तुरंत सवाल किया था, मंत्री थे, मंत्री ये चिल्ला के बोलना और अपनी नाकामियों को छिपाना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, गिरफ्तार कराया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कहावत है ना नितिन जी की, चोर का गला बड़ा होता है, हजार के घोटाले, चिल्लाने की आवाज है इनकी, चिल्लाने की आवाज है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बतावे कितने लाख करोड़ में इनके प्रधानमंत्री बिक गए, उन आरोपियों वो आरोपी आजाद हो गए, चौबे जी चौबे जी सुनिए सुनिए एक इंटरेस्टिंग बात, एक रुपए का घोटाला, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं सुभाष जी सुनिएगा, बीते दिनों राजधानी लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की एक बैठक हुई थी जिसमें ये बातचीत हुई थी, सभी प्रदेशों के जो मंत्री थे, वित्त मंत्री, वो सब आए हुए थे और ये बातचीत हुई थी कि पेट्रोल डीजल पर जो जीएसटी है उसको लेकर चर्चा करी जाएगी, और इसका सबसे पहला विरोध पता किसने किया, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार थी उन्हीं लोगों ने सबसे पहले इसका विरोध किया, तो चौबे जी ये विरोध क्यों किया था, मैं आऊंगा ये जवाब लेने के लिए, लेकिन पहले शरीफ भाई के पास चलूंगा, बहुत देर से शांत है, शरीफ भाई सारी बातें कहिए फिर हम चौबे जी से जवाब लेंगे। देखिए भाई मैं पहले तो विवेक जी का बहुत मतलब दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि जनता की पीड़ा को ये खुद, चौबे जी को मैंने पूरा समय दे दिया, वो पूरा सोच ले उसके बाद में, जनता की पीड़ा को खुद समझ रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं, पार्टी में हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, चाह कर भी अभी ये कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन इनकी बातों से ये ज्ञात हो गया कि जो इनके मन में है वही उत्तर प्रदेश की जनता के मन में है, ये जनता के शब्दों को आज बैठकर बोल रहे हैं। अच्छा ये कुछ सत्ता के नशे उसे की बात कर रहे थे, नहीं वो इनके यहाँ तो जब से सरकार आई है तब से नशा चल रहा है, ये तो इनके यहाँ आम बात है, ये तो कोई इन्होंने सच बोल दिया कि इनकी पूरी सरकार ही नशे में चलती है। अच्छा कौन सा कुछ भी हो सरकार नशे में चलती है, किसी पे गाड़ी चढ़ जाती है, कुछ भी कोई अनाप शनाप बयान दे सकता है, वो अलग बात है, कभी मतलब का हुआ तो ले लिया, कड़वा हुआ तो थू कर दिया, उसका बचाव नहीं किया, कहा साहब हमसे मतलब नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रीत रही है, और इन्होंने एक सच बोल दिया कि पूरी सरकार नशे में चल रही है, ये अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को कहा था, आज माननीय प्रवक्ता जी ने भी इस बात को साबित कर दिया कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की सरकार नशे में चल रही है। और रही बात महंगाई, और ये अभी छोटी सी बात हो रही थी ना कि तेल की महंगाई कांग्रेस चीखती थी, भाई कांग्रेस अब अपने अपने राज्य में वहां नहीं चीख रही, भाई यार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं नोएडा क्रॉस करके, अच्छा अभी मिले हैं, अभी अखिलेश जी मिले वहां चिल्लाते हैं केजरीवाल जी पेट्रोल के दाम कम करो, शरीफ भाई अभी अखिलेश जी की मुलाकात प्रियंका जी से हुई इसलिए चौबे जी का बचाव कर रहे हैं आप। नहीं मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा दोनों लोग वही काम करते हैं, ये यूपी में चिल्ला रहे हैं, ये यूपी में कह रहे हैं सारे बात अपने देश जहां इनके राज्य वहां ये बोलते नहीं है, ठीक है जैसे इन्होंने कहा कि चंडी जी पंजाब से आने के लिए बड़े उतावले थे चले आए, अरे भाई मेरे आप तो जहां भी चुनाव हो पूरे भारत के नेता बुला लेते हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने तो दीजिए, पहला ऐसा राज्य होगा जहां प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय सारे मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, कोई मंत्री बचेगा नहीं, और जो सिर्फ आगे एक गाना गाएगा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी में हत्याएं होती हैं, हमारी सरकार में हम हत्या कराते हैं वहां अपने आप हो जाती है,
ये पूरे प्रदेश में प्रचार चलाएंगे, ये दूसरों पे खूब आरोप लगाते हैं, वहां से बुलाते, ये तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुंभा उत्तर प्रदेश में ढेर कर देंगे। क्योंकि उनको अगर उत्तर प्रदेश में किसी से डर है तो केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी से डर है, क्योंकि यहाँ की जनता का जितना प्रेम अखिलेश यादव को दे रही है वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा से, प्रियंका गांधी वाड्रा से तो इनका वन टू वन चलता रहेगा, सोच रहे वो भी केंद्र की राजनीति करेंगे। अच्छा, मिले हैं क्या? मिले हैं क्या? कुछ नहीं, नहीं मिले तो नहीं कहेंगे। नहीं, एक्चुअली मुझे ये लगता है मिले हैं, शायद इसीलिए हर जगह उनको पहुंचने दिया जा सकता है। जिस चीज का ये कहते हैं कि विरोध जीएसटी कर रहे, अपनी जगह चले जाते हैं वहां ये विरोध कर रहे हैं। पेट्रोल के दाम उन्होंने बढ़ाए, ये आप लोग को, आप लोग को रोक लिया जाता है लखीमपुर, प्रियंका गांधी रात में पहुंच जाती है सीतापुर। भाई बताइए हमको क्यों रोका जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चल रही है, मतलब सेटिंग है अंदर से। हो सकता है चौबे जी बता नहीं रहे, बताएंगे चौबे जी, विवेक जी को बताए होंगे। नहीं, चौबे समाजवादियों से अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है तो पूरे 5 साल का ये विपक्ष का काल देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाजवादियों से डरती आई। ठीक है सर, ठीक है चौबे जी, आपका जवाब तैयार है? बिल्कुल तैयार है। देखिए हमारा नारा ये है कि मैं बेटी हूँ और लड़ सकती हूँ, और लड़ी प्रियंका गांधी, रात को बारिश हो रही थी। अरे तो लड़े तो अखिलेश यादव भी थे, सतीश चंद्र मिश्रा भी थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। अरे सतीश चंद्र मिश्रा इतने बड़े वकील हैं, उनको रोक लिया गया था। वो रुकी नहीं, वो सीतापुर तक गई, वहां भी पुलिस ने धक्का मुक्की की, गिरफ्तारी की, लेकिन वो फिर भी नहीं डरी। सरी भाई क्या कह रहे हैं? चौबे जी आपको रोकने के लिए 5-6 पुलिसकर्मी थे, हमारे नेता को रोकने के प्रदेश की पुलिस लगा दी गई थी। बताइए पुलिस लगा दी गई थी, प्रदेश की थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पे ढेर थी। मीडिया से पूछिए क्या खेल खेल रहे हैं आप दोनों लोग, मांगे उत्तर प्रदेश को लेकर वाड्रा जी को कहां बचाना चाह रहे हैं, कहीं बताएं माँ काली का अवतार लेके ये साबित कर दिया। कहीं ना कहीं कुछ बचाना चाह रहे हैं, कहीं वाली है प्रियंका जी वाड्रा जी को बचाना चाह रही है, उत्तर प्रदेश में खेल खेल रहे हैं आप लोग। विवेक भाई कुछ कह रहे हैं, विवेक भाई कुछ कह रहे हैं, हाँ विवेक जी क्या कह रहे हैं? देखिए नितिन जी, पहले बात तो चौबे जी से मैं ये कहना चाहूंगा जी कि हिंदू देवी देवताओं का प्रतीकों के रूप में इस डिबेट में इस्तेमाल। देखिए बेटियों का अपमान ना करें, मुझे इस पे शक, आप पुरुष के लिए हर हर कर सकते हैं, और जिस बेटी बहन माँ को माँ दुर्गा का अवतार मनाया जाता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से अवगत नहीं है क्या? क्या आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं क्या? क्या हिंदू धर्म में बेटियों को दुर्गा और काली का अवतार नहीं माना जाता है क्या? आप बता दीजिए, आप कह दीजिए कि नहीं माना जाता है, आपकी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है इस बात का? आप बता दीजिए, आप बेटियों के खिलाफ है, आप महिलाओं के खिलाफ है, आप बता दीजिए महिलाओं बेटियों की तरक्की आपसे सही नहीं जाती? आप महिलाओं को इज्जत देने को तैयार नहीं है? आप संसद में जैसे महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं, आप चाहते हैं कि महिलाओं का संसद से सभा तक मजाक उड़ाए? ये बातें अक्षम्य है, ये बातें अक्षम्य है। अजय भाई सुनिए सुनिए क्या कह रहे विवेक जी, विवेक जी कहिए कर रहे हैं। चौबे जी आ रहा हूं मैं, प्लीज। हाँ क्या कह रहे विवेक भाई? देखिए को भी लखीमपुर जाने से रोका नहीं गया, वहां पे जब तक माहौल बिगड़ने की संभावना सरकार को थी तब तक सरकार ने प्रतिबंध लगाया, फिर सीमित संख्या में सबको जाने का, सरकार किसी ने को नहीं जी को पहले ही गिरफ्तार करा लिया होता जब उन्होंने किसानों को धमकाया था। अब आप किसी के बेटे को पहले ही गिरफ्तार कर ली होती पुलिस, जब उनके बेटे गाड़ियां लेके 200 की स्पीड से चले थे किसानों को कुचलने के लिए, माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिगाड़ा है अपने भड़काऊ बयानों से, और उससे भी बढ़ के अपने कुकृत्यों से। आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि किसानों को लठिया के आओ, मैं देख लूंगा। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं गन्ना न बो शुगर बढ़ जाएगा। आपके मंत्री कहते हैं आंदोलन न करो सुधर जाओ ठीक कर दूंगा। आपके मंत्री के बेटे गाड़ी चढ़ा देते हैं और आपकी पुलिस देखती रहती है, आपकी सरकार देखती रहती है, मतलब आपकी आत्मा भर गई, आपके पास नैतिकता नहीं रह गई है, मतलब आप महिलाओं का उपहास कर रहे हैं। एक अभी मैं संहिता कर्मी की बात कर रहा हूँ, गोरखपुर में आत्महत्या कर ली, 6 महीने सैलरी नहीं दिला पाए। आपके मुख्यमंत्री जी सैकड़ों बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, सैकड़ों माताओं की गोदे सुनी हो गई, उजड़ गया गोरखपुर, और आप है उनके कब्रों पे आपको है ठीक है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
जनता कभी हो गया, हाँ, हो गया, हो गया। विवेक भाई कुछ कह रहे थे, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ डिबेट को। नितिन जी, जी ये बार बार चंदी साहब का नाम ले रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री का, उनका पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। महिला पुराना रिकॉर्ड मत देखिए, गलत बात है। आपको रिकॉर्ड देखना पड़ जाएगा इस उत्तर प्रदेश में, पुराना रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा। गलत मत चलिए, अपना मुकदमा न उठाते तो आपके मुख्यमंत्री जी जेल में सड़ रहे होते, आपके जेल में सड़ रहे होते। से आपकी पार्टी भरी हुई है शरीफ भाई, कार्यों के दम पे टिकी हुई है। सपा कांग्रेस वाला ऐलान कर दूं क्या मैं यहाँ से? नहीं, कोई ऐलान नहीं, लेकिन बात जो सच होगी उसकी आवाज उठाई जाएगी। चलिए बहुत धन्यवाद, सुभाष जी कंक्लूड कीजिए, उसके बाद हम डिबेट को खत्म करेंगे। देखिए मैंने सारे वक्ताओं की बात सुनी, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा, और जिस प्रकार से हाशमी साहब बोल रहे थे और जिस प्रकार चौबे साहब जी बोल रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि गठबंधन होने वाला इनका भी, और उसकी शुभवाट आज आदरणीय प्रियंका जी, तो यहां से उसकी शुभवाट आदरणीय प्रियंका जी ने फोटो देख ली, लग रहा प्रियंका जी और अखिलेश जी की। तो अपने नेताओं की बात इन्होंने लोगों कर दी, नेता तो सामने आएंगे बाद में फ्रंट फुट पे, लेकिन शायद इन्होंने डिबेट के माध्यम से अपना ऐलान कर दिया है कि 2022 के अंदर प्रियंका और अखिलेश फिर से एक बार आ सकते हैं, जो 2017 के अंदर हुआ था। खैर उसमें नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पे जो था तेल की कीमतों के ऊपर, तो शुरुआत तो ठीक से हुई, लेकिन घुमा फिरा के फिर बाद में फिर हम दूसरे मुद्दों पे भटक गए। बात यहाँ पे आ रही, कोई भी सरकार रहे उस सरकार को पहल करनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे कांग्रेस पार्टी हो गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, ये अपनी सरकारों को सेफ रखने के लिए दूसरी सरकारों के ऊपर अंगुली उठा देते हैं। शुरुआत तो करो भाई कोई ना कोई, कांग्रेस शुरुआत करे अपने यहाँ पे, उसकी तेल की कीमतों घटाए, एक्साइज ड्यूटी कम करे वहां पे, दूसरे जो टैक्सेस लग रहे हैं उसको कम करे, शुरुआत तो करे। शुरुआत ये करते नहीं है, अंगली उठाना इनकी आदत है, तो अंगली उठाने से पहले आप शुरुआत करिए, ताकि जनता को भी लगेगा कि हाँ कांग्रेस प्रॉपर वे के अंदर जा रही है और सही काम कर रही है वो। अच्छा मान लीजिए अगर हमने टैक्स हटा दिया और भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अजय जी आप बहुत उतावले हैं, अजय जी आप बहुत उतावले हैं, अजय जी बहुत उतावले हैं, अजय जी आप बहुत उतावले हैं, पहली बार डिबेट में आए क्या भाई? अजय जी आप बहुत उतावले हैं, आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। पहली बार डिबेट में आए क्या आप? रोज रोज झूठ बोलते नहीं थके तो एक सच के सामना होने से सौ झूठ तो घबरा ही जाता है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आज हमने चर्चा की उपेंद्र तिवारी के बयान पर, और उत्तर प्रदेश में वो 5% कौन लोग हैं, देश में वो 5% कौन लोग हैं जो सिर्फ पेट्रोल डीजल की फोर व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका जवाब तो हमें नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से जो सवाल खड़े हुए उन सवालों के बाद ये बात जरूर सिद्ध हो गई कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में राजनीति आने वाले दिनों में फिर से बदलने वाली है। क्योंकि आज हमारे डिबेट के दौरान सपा और कांग्रेस ने जिस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट किया, और अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की मुलाकात फ्लाइट में हुई है, तो ये थोड़ा सा कुछ और इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद आने वाले दिनों में, आने वाले समय में कुछ और बदलेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और शायद इसका नुकसान कुल मिलाकर बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि पहले गलत बयानबाजियां, जनता की एंटी इनकम्बेंसी, और उसके बाद अब विपक्ष का एक साथ आ जाना, इन सब का जो नुकसान होगा ये बीजेपी को कहीं झेलना ना पड़ जाए। आज की डिबेट में इतना ही, मैं दीजिए अनुमति, नमस्कार। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है।